Good morning students, today we will start the next topic, that is a points law form of a line. बेटा पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपके पास एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं. वन पॉइंट फॉर्म और पॉइंट लॉ फॉर्म का मतलब यही होता है कि आपको लाइन का स्लोप गिवन है और एक लाइन गिवन है जिसमें से ये पॉइंट पास होता है, तो उसमें अगर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लेंगे तो आप लोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स. अब देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप वन बाय टू है, तो आप क्या करोगे, एक्स वन वाई वन आपके पास माइनस फोर थ्री गिवन है, एम वन बाय टू गिवन, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ उसमें पुट कर दो वैल्यू और सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन. नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय सेक्टिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. सो थीटा कितना गिवन है 45 डिग्री, एम गिवन है टेन 45 डिग्री. आप क्या करोगे मिड पॉइंट बायसेक्टिंग गिवन है, मतलब पहले मिड पॉइंट निकालो, ये आपके पास एक्स वन वाई वन हो गया, ठीक है. अब आप इक्वेशन लिखाओ वन पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस सेवन बाय टू वन इंटू एक्स माइनस नाइन बाय टू. सो वाई माइनस सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन बाय टू, वाई माइनस सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन बाय टू. सो एक्स माइनस वाई माइनस नाइन बाय टू प्लस सेवन बाय टू इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू टू रूट थ्री एंड इनक्लाइंड विद द एक्सिस ऑफ एन एंगल 75 डिग्री. अब देखो थीटा तुम्हें 75 गिवन है, सो एम कितना हो गया टैन 75 डिग्री. टैन 75 मतलब 45 प्लस 30. बेटा अब यहां एक फॉर्मूला याद कर लो अभी फॉर अ टाइमिंग. टैन ए प्लस बी कितना होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी. सो टैन 45 प्लस टैन 30, 45 प्लस 30 वन माइनस टैन 45 टैन 30 डिग्री. वन प्लस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन बाय रूट थ्री. सो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री. अब मेरे पास पॉइंट गिवन था, यहां पे मैंने इक्वेशन लगाई और सॉल्व कर लिया और उसके बाद ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट थ्री माइनस वन वाई माइनस टू रूट थ्री, रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन एक्स माइनस टू रूट थ्री प्लस वन. सो रूट थ्री प्लस वन एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू रूट थ्री टू रूट थ्री प्लस टू. आपने सॉल्व किया आपके पास ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाय सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस. राइट बाय सेक्टर इसका ये आपने क्या किया, पहले थ्री फोर इससे मिड पॉइंट निकाल दिया इसका. डी कैसे निकला, थ्री माइनस वन बाय टू और फोर प्लस टू बाय टू वन थ्री आ गया. स्लोप ऑफ ए बी निकल गया आपके पास वन बाय, स्लोप ऑफ सी डी आया माइनस टू. क्यों सी डी का माइनस टू क्यों हो गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्लोप पता है, तो स्लोप ऑफ सी डी दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन है, तो ऑब्वियसली दिस इज माइनस टू. इक्वेशन ऑफ सी डी कितनी होगी, वाई माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन, वाई माइनस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू और उसके बाद आपके पास आ गया टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन जीरो एंड टू थ्री डिवाइड्स इन द रेशियो वन इज टू एन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन के. अब देखो आपके पास बेटा दो पॉइंट गिवन है और ये डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को वन इज टू एन रेशियो में, तो देखो ये फिगर बन गई तुम्हारे पास, ए वन जीरो बी टू थ्री ले लिया. अब ये लाइन है जो वन इज टू एन रेशियो में, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, किससे निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला से. देखो वन टू टू आ गया और एन को इससे किया टू प्लस एन अपॉन वन प्लस एन, अब वन को इससे किया थ्री दिस वन प्लस एन. सो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, वो क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यहां से वैल्यू निकाल दी थ्री आ गई. स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ए बी है दैट इज माइनस वन बाय थ्री. अब आप करोगे वाई माइनस थ्री अपॉन वन प्लस एन माइनस वन बाय थ्री एक्स माइनस दिस. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो थ्री
1 plus n y minus 9 minus 1 plus n x plus 2 plus n कर दिया। अब आपके पास सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो तुम्हें स्लोप नहीं गिवन है, इस केस में पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। इस केस में इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन। अब आपने क्या किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड माइनस सिक्स टू। इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब इसमें से निकालो, क्या करोगे, y प्लस फोर यहां वाई वन, एक्स वन वाई वन ये हो गया, एक्स टू वाई टू ये हो गया। आपने पुट कर दी वैल्यूज, माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू दिस। अब इधर ले जाओ, आपके पास आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स एक्स, माइनस भी कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिस आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता था, जो लाइन को बायसेक्ट करता था। अब आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टेक्स आर है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आर हियर, और पी और क्यू मैंने इधर लिए। अब मैंने एम के पॉइंट्स निकाले, तुम्हें पता है कि एम क्या होता है मीडियन के केस में, मिड पॉइंट। सो टू माइनस टू बाय टू, वन प्लस थ्री बाय टू, जीरो और टू आ गए एम के कोऑर्डिनेट। अब तुमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ आर एम निकालनी है, इक्वेशन ऑफ आर एम निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, वाई माइनस टू फाइव माइनस टू अपॉन फोर माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट, के दिस इज योर इक्वेशन। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट थ्री जीरो एंड माइनस टू टू इज, अब इसकी पॉइंट की निकाली, वाई माइनस जीरो माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब यहां पुट कर दिए टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स। नाउ दिस लाइन पास थ्रू ए टू, अगर पास करेगी तभी कोलिनियर होगा, अगर पॉइंट कोलिनियर वाला लाइन की अगर सेटिस्फाई कर गया तो तुम कह दोगे यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाय, बेटा जब इंटरनल बायसेक्टर होता है ना तो माइंड में रखना है यहां पे इंटरनल बायसेक्टर थ्योरम लगेगी, और वो क्या थी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, वहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगी ए बी, और ए पॉइंट गिवन है बी और सी, हमने चारों पॉइंट ले लिए, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से ए और ए बी और ए सी का फॉर्म निकाल दिया, तो बी डी की वैल्यू आ गई, रेशियो आ गई फाइव इज टू टू। अब मैं डी पॉइंट निकाल सकती हूँ सेक्शन फॉर्मूला से, फाइव इंटू टू टेन, टू इंटू जीरो दिस अपॉन फाइव प्लस टू सेवन, इंटर्न नैसी फाइव थ्री फिफ्टीन अपॉन प्लस जीरो अपॉन सेवन, टेन बाय सेवन फिफ्टीन बाय सेवन। इक्वेशन ऑफ ए डी आपके पास आ गई वाई माइनस थ्री फिफ्टीन बाय सेवन माइनस थ्री टेन बाय सेवन माइनस फोर एक्स माइनस। अब आपने वैल्यू सॉल्व की, सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, अ लाइन सच दैट इट्स अ सेगमेंट बिटवीन द लाइंस दीज इज बायसेक्टेड एट द पॉइंट वन फाइव। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है ये दो लाइंस हैं और ये लाइन बायसेक्ट कर रही है पॉइंट वन फाइव पे। ओके, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। आपने क्या किया, आपने ये पॉइंट ले लिया कि यहां अल्फा वन बीटा वन और ये अल्फा टू, नेचुरली फिर ये सेटिस्फाई भी करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो फाइव अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस फोर और थ्री अल्फा टू प्लस फोर बीटा टू माइनस फोर। यहां से मैंने बीटा वन की वैल्यू निकाल दी, बीटा टू की वैल्यू, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाला, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाय टू और बीटा वन इज इक्वल टू वन फाइव कर दिया। वहां से मैंने जब इक्वेशंस को सॉल्व किया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाय टू इज इक्वल टू वन, बीटा वन प्लस बीटा टू बाय टू इज इक्वल टू फाइव, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू टू, बीटा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू टेन। यहां से हमने सॉल्व करके फिर मैंने बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू डाल दी, पहली वैल्यू उठा के यहां डाली, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, मेरे पास अल्फा वन और अल्फा टू में इक्वेशंस आ गई, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से एज पर योर चॉइस, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। यहां से मेरे पास बीटा वन की वैल्यू आ गई, जब बीटा वन की वैल्यू आ गई मैंने कर दी उसको सॉल्व करके, मैंने उससे इक्वेशन निकाल दी, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। बेटा ये देखो, अब दो वर्टिसेस गिवन है, ऐसी फिगर बन जाएगी तुम्हारे पास, ये एक्स इज इक्वल टू फोर पे लाई करता है, तो दैट मीन्स फोर के और एक फोर एच ले लिया, और ये अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी और मिड पॉइंट ऑफ ए सी सेम होंगे, तुम निकालो टू प्लस सिक्सटीन बाय टू सिक्स सॉरी टू प्लस सिक्सटीन बाय टू आ गया और दूसरा आपके प्लस थ्री प्लस सिक्स बाय टू आ गया, यहां सिक्स है सॉरी,
ठीक है, और यहां पे 3 + 6/2 आ गया और इधर से मिड पॉइंट निकाला, आपने दोनों को सॉल्व कर लिया, एच प्लस के की वैल्यू आ गई 9। अब रेक्टेंगल है तो बीडी और डीसी इक्वल होंगे, तुम्हें पता है बीडी और एसी इक्वल होंगे क्योंकि डायगनल्स इक्वल होते हैं। वहां से हमने निकाली एच माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू आ जाएगी के की और बीडी के कोऑर्डिनेट्स आ गए बी एंड डी के। फिर मैंने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाली, वाई माइनस 3 2 माइनस 3 4 माइनस 2 एक्स, सो एक्स प्लस 2 वाई माइनस 8 आ गया। इक्वेशन ऑफ बी सी कितनी आई, वाई माइनस 6 6 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 4 एक्स माइनस 6, वाई माइनस 6 2 एक्स माइनस 4 यहां। इक्वेशन ऑफ सी डी आ गई, वाई माइनस 6 6 माइनस 7 6 माइनस 4 इधर आ गई। यहां से मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी, डी ए की भी इक्वेशन निकाल दी, ऐसे ही मेरे पास आंसर आ गया। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, विद दिस योर टॉपिक इज कंप्लीट एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।